नमस्कार, जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मीन राशि वालों का आज का दिन यानी कि 18 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा, आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का शुभ रंग, शुभ अंक और उपाय है, तो आप उसे भी देखें, सुने और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं हो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में। मित्रों, प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। आज के दिन हो सकता है तो किसी छोटी मोटी बात को लेकर आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका का मूड खराब रहेगा। इसलिए आज के दिन अपने प्रेम संबंध में आप अपने व्यवहार पर, अपने वाणी पर अपना कंट्रोल रखें, अन्यथा आने वाले समय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके कामकाज की बात करें तो कामकाज के दृष्टिकोण से भी आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है। आज के दिन से अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को शुरू करने के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ नहीं देगा। आप जो भी काम करते हैं आज के दिन उसी काम को आप पूरे मन से, पूरे एकाग्रता के साथ करने का प्रयास करें। इसके बाद है आपका दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा नहीं बीतेगा। आज के दिन अगर आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा इंसान इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है, तो किसी और इंसान के वजह से आज के दिन आपके जीवन साथी के साथ आपका नोक झोंक होगा, आपका झगड़ा होगा। इस बात को आप याद रखें। इसके बाद है आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और शानदार है। आज के दिन जिस काम को करने से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति हो, जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, आप वही काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। इसके बाद है आपका धन संपत्ति, तो पैसों के दृष्टिकोण से भी आपका समय अच्छा बीतेगा। आज के दिन आपके पास पैसा तभी आएगा जब अपने फिजूल खर्ची पे आप कंट्रोल करेंगे। अगर आप पैसा करते हैं अपने फिजूल खर्ची पे, अगर आप कंट्रोल कर पाते हैं तो आज के दिन आपके जीवन में पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। इसलिए आज के दिन अपने घर परिवार में आप सभी लोगों के साथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करें। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक, भाग्यशाली रंग और उपाय क्या है। तो आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है 5 यानी कि 5। आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। तो आज के दिन आप गौ माता की सेवा करें, आज के दिन आप गौ माता को चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं होगा।
तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।